नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और स्वागत है आपका हमारे साथ 8 बजे की पावर पैक्ड बुलेटिन बुलेट बुलेटिन में। देश दुनिया की हर बड़ी खबर फटाफट अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे, अब नहीं छूटेगी आपसे कोई खबर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राजनीति की 10 बड़ी खबरों से, यानी पॉलिटिक्स टॉप 10 से। CAA NRC के खिलाफ जारी प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जील इमाम को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शर्जील इमाम को पटना के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी के लिए बिहार में लगातार छापेमारी की जा रही थी। शर्जील की गिरफ्तारी के लिए उसके पैतृक गांव में भी लगातार छापेमारी की जा रही थी। शर्जील इमाम के छोटे भाई को भी हिरासत में लिया गया था। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर सियासी बयान सामने आ रहे हैं। यहां जमे प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सत्याग्रही बताया है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो 1 घंटे में शाहीन बाग को खाली करा दिया जाएगा। अगर हमको लगता है कि सरकार की तरफ से कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ से आवाज उठाना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से शाहीन बाग में, हमको लगता है कि वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं। एक तरफ चुनाव है, अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। इधर दिल्ली बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है उसे पूरी दिल्ली देख रही है और डरा कर रख दिया है इस दिल्ली को। मनोज तिवारी ने पूछा है CAA का विरोध करने वाले लोग कौन हैं, उन्हें किस बात की आजादी चाहिए। मनोज तिवारी ने दावा किया कि दिल्ली की जनता शाहीन बाग को जवाब देगी। जिस दिन भारत को तोड़ने की बात करने वालों, आपको सबक सिखाने के लिए देश और दिल्ली की जनता है और आपको सबक सिखाएगी। इधर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विधायक विशेष रवि के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। विशेष रवि पर चुनाव आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे में एजुकेशन से संबंधित जानकारी छुपाने का आरोप है। याचिकाकर्ता के मुताबिक रवि ने 2013 में चुनावी हलफनामे में कहा था कि वो BCOM पास है, 2015 में कहा था कि BA इग्नू से पास है, जबकि 2020 में जो हलफनामा दिया गया उसमें 10वीं पास बताया है। इसलिए रवि विशेष की नॉमिनेशन को रद्द किया जाए। दिल्ली के गोकुलपुरी में आज CM अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने हमारे खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है और दिल्ली के बाहर से 200 सांसद और 70 मंत्री लाए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये अपने 200 MP लेके आएंगे दिल्ली वालों के पास। इधर PM ने अपने भाषण में नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून पर विपक्ष वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, उनको पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में विज्ञापन में हिंदुओं का अपमान किया गया, पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति कर रहे लोगों को ये सब नहीं दिखता। कश्मीर भारत की मुकुटमणि है, कश्मीर और वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। सत्तर साल बाद वहां से आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका। इधर दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित नेशनल कैडेट कॉप्स यानी NCC की रैली में PM मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ वोट बैंक के लिए जम्मू कश्मीर से 370 हटाया नहीं गया है, पिछली सरकारों ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया, हम आतंकवाद वाला कश्मीर देश को नहीं दे सकते, कश्मीर को आतंक ने तबाह कर दिया था, कश्मीर के लाखों लोगों को एक दिन में घर छोड़ना पड़ा था, हमारी सेना जब आतंकियों पर एक्शन के लिए कहती है तो उसे टाल दिया जाता था। मन के साथ
देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में एनसीसी कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां पर एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण में पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने 370 सर्जिकल स्ट्राइक और सीएए का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि पड़ोसी को हराने में 10 दिन भी हमें नहीं लगेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे 3-3 युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के जयपुर में युवा आक्रोश रैली को संबोधित किया। कांग्रेस नेता इस रैली में मोदी सरकार पर जमकर बरसे और पीएम नरेंद्र मोदी पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राहुल बोले कि पहले हिंदुस्तान की भाईचारे की छवि थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आज भारत को दुनिया का रेप कैपिटल माना जाता है। पाकिस्तान बटा हुआ देश, हिंदुस्तान एक साथ चलने वाला देश, इस इमेज को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है। आज बाकी दुनिया में हिंदुस्तान को रेप कैपिटल माना जाता है दुनिया का। हर रोज अखबार में आता है कहीं ना कहीं किसी महिला का बलात्कार हुआ। और झारखंड में लंबे इंतजार के बाद हेमंत सोरेन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में शपथ लेने वालों में सबसे पहला नाम जेएमएम कोटे से चपई सोरेन का रहा, जिनके बाद जेएमएम कोटे से हाजी हुसैन हंसारी ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा जेएमएम कोटे से जगन्नाथ महतो, जोबा मांझी, मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं कांग्रेस कोटे से बन्ना गुप्ता और बादल ने मंत्री पद की शपथ ली। और चलिए, ये थी राजनीति की टॉप 10 खबरें और अब जान लेते हैं कारोबार की दुनिया की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। बाजार में आज भी कोरोना वायरस का डर देखा गया, जिसके कारण शेयर बाजार लाल निशान के साथ बंद हुए। निफ्टी 63 अंक की गिरावट के साथ 12,056 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 188 अंक फिसलकर 40,967 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक 76 अंक गिरकर 30,761 पर बंद हुआ। मेटल शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। तो कोरोना वायरस का असर साफ तौर पर नजर आया, जिसकी वजह से मेटल शेयरों की चमक फीकी पड़ी। वेदांता, सेल, टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में बिकवाली हावी रही। साथ ही ऑटो सेक्टर में भी कमजोरी दिखी। टाटा मोटर्स, मारुति, भारत फोर्ज, बजाज ऑटो के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए। हालांकि आज के कारोबारी सत्र में केमिकल शेयरों में तेजी रही। आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, नवीन फ्लोरो, फिन ऑर्गेनिक्स और इसके साथ ही गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स में शेयरों में खरीदारी नजर आई। निफ्टी पर चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो बीपीसीएल, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस और सन फार्मा के शेयर हरे निशान में बंद हुए। दिग्गज इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी एपटेक के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में जांच कर रही है। एपटेक कंपनी झुनझुनवाला और उनके परिवार की है। सेबी इस मामले में उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की भूमिका की भी लगातार जांच कर रही है। साथ ही इन्वेस्टर रमेश तमानी और कंपनी में डायरेक्टर मधु जय कुमार सहित कुछ बोर्ड मेंबर्स के रोल की भी जांच जारी है। सरकार ने बैंक अधिकारियों को बड़ा सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया है। अब सरकारी बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी जांच के लिए एजेंसियों को मंजूरी लेनी होगी। ये मंजूरी एडवाइजरी बोर्ड देगा। एडवाइजरी बोर्ड 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड की प्राथमिक जांच करेगी, उसके बाद जरूरी हुआ तो जांच का काम एजेंसियों को सौंपेगी। इसके लिए सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव किया है। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बजट में इंफ्रा कंपनियों को मैट यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से राहत मिल सकती है।
सूत्रों की माने तो सरकार मैट से राहत देने के दो विकल्पों पर काम कर रही है। पहले विकल्प में सरकार बजट में मैट की दर को 15% से घटाकर 7.5% कर सकती है। दूसरे विकल्प में सरकार मैट को पूरी तरह हटा सकती है। आपको बता दें कि CBDT ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत के बाद मैट में राहत के संकेत दिए थे। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में हेल्थ सेक्टर की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार हेल्थ मंत्रालय को डिमांड से काफी कम फंड आवंटन होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस बार हेल्थ सेक्टर को 68,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी वाला है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने सरकार से बजट को 20,000 करोड़ रुपए बढ़ाने की मांग की थी, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बार 88,000 करोड़ की मांग की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020 में हेल्थ सेक्टर को 62,398 करोड़ मिले थे। देश के दिग्गज बैंकर दीपक पारेख रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत चाहते हैं। उन्होंने RBI से मांग की है कि बैंकों को लोन रीस्ट्रक्चरिंग की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि इसके बिना सेक्टर का भला नहीं हो सकता। दीपक पारेख ने कहा कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है। We are talking to the regulators, we are talking to the finance ministry. One time restructuring is absolutely necessary. And it is not a precedent. It was done once before in 1993 or when the financial crisis was there. It was done once. Otherwise, every housing project, every loan by a bank or a housing finance company will become an NPA and it will, unless restructuring. And many of the delays are you don't get the environmental certification. I know half a dozen. इधर टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक SUV नेक्सॉन EV लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 14 लाख रुपए है। यह टाटा की पहली और देश में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV है। इसकी टक्कर MG मोटर की ZS EV और Hyundai की कोना इलेक्ट्रिक SUV से होगी। नेक्सॉन EV में 30.2 kWh लिथियम आयन बैटरी पैक है। बैटरी पैक को फ्लोर के नीचे दिया गया है, जो बॉडी रोल को कम करने में मदद करेगा। टाटा मोटर्स का दावा है कि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक एक बार फुल चार्ज होने पर 312 किलोमीटर तक चलेगी और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इसे सिर्फ 9.9 सेकंड का समय लगेगा। नेक्सॉन EV जो आप देख रहे हैं आज यहाँ, ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक SUV है जो इंडिया के लिए बनी है और इंडिया में बनाई गई है। उसके परफॉर्मेंस, प्राइस और फीचर्स और रेंज, ये चार चीज़ों का हमने सही बैलेंस लाने की कोशिश की है, ताकि जो रुकावटें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन के लिए, वो सारी हम दूर कर पाएं। इधर इथर ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 99,000 रुपए है। नई इथर 450X पहले से बाजार में मौजूद 450 मॉडल का अपग्रेडेड मॉडल है, जिसे बड़े बैटरी पैक, दमदार पार और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ पेश किया गया है। नया स्कूटर 2 परफॉर्मेंस पैक्स प्लस और प्रो में मिलेगा। यह स्कूटर एक चार्ज पर 75 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। IRCTC ने लोगों को एक फर्जी वेबसाइट के प्रति सावधान किया है। IRCTC ने एडवाइजरी में कहा है कि लोग IRCTCTour.com नाम की इस फर्जी वेबसाइट के जरिए बुकिंग न करें। ऐसा करने से न तो उनका टिकट बुक होगा और न ही दूसरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अगर कोई इस वेबसाइट या कंपनी के नाम पर चलाई जा रही किसी भी फर्जी वेबसाइट से टिकट बुक करता है तो उसके पैसे डूब जाएंगे। अपनी एडवाइजरी में IRCTC ने कहा है कि लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिर्फ कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही बुक करें। दरअसल IRCTC को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कंपनी के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट चल रही है और लोग उस वेबसाइट से टिकट बुकिंग भी कर रहे हैं, जिसके बाद IRCTC ने यह एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र के मालेगांव में बड़ा हादसा हो गया है। देवला के पास एक बस ऑटो से टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में 25 यात्री सवार थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई। वहीं 19 यात्री जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बस से निकाला। निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुकेश की वकील ने अदालत में कहा कि जेल में मुकेश का यौन शोषण हुआ, उसको अक्षय के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया।
एक और दोषी राम सिंह का भी यौन शोषण हुआ। राम सिंह ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई। इन आरोपों को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेबुनियाद बताया और कहा कि ये दलील किसी की फांसी की सजा खत्म करने का आधार नहीं है। सबरीमला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहस के लिए समय सीमा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में इस केस पर बहस पूरी करने को कहा है। इस मामले में 9 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सभी पक्षों के वकीलों की बैठक हुई जो बेनतीजा रही। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से जिरह की समय सीमा तय करने का आग्रह किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिरह की समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अभयारण्यों यानी जंगलों के लिए अफ्रीकी चीता लाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो अफ्रीकी चीतों को नामीबिया से भारत लाकर मध्य प्रदेश स्थित नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य में बसाने की महत्वाकांक्षी परियोजना के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बाघ चीते के बीच टकराव के कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं है। श्रीलंका में सीता माता का भव्य मंदिर बनाने को लेकर कवायदें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में श्रीलंका के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। चर्चा के दौरान तय किया गया कि मध्य प्रदेश और श्रीलंका के अफसरों की समिति मंदिर निर्माण की रूपरेखा बनाएगी। साथ ही सांची में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय, अध्ययन और प्रशिक्षण केंद्र बनने के भी निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति में फिर से हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में 30 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में आज के लिए इतना ही।